अबे क्रिमिनल, ये क्या कर रहा है तू? साहब चुप रहो। गैस आप लोग बोल रहे थे ना कि मैंने कितने दिनों से सिनेमेटिक शॉट्स नहीं लिए, तो देखो आज ले लिया मस्त 20 पे। सो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं अभी अभी सोकर उठा हूँ और पूरी रात जाकर एडिटिंग कर रहा था। और गाइस आप लोग पूछ रहे थे ना कि मैं पूरी रात जाकर एडिटिंग करता हूँ तो फिर सोता कब हूँ, क्योंकि दिन में तो मैं ब्लॉग बनाता हूँ। तो देखो यार, मैं सच बता रहा हूँ, एडिटिंग तो मैं ही करता हूँ, पिगू विगू नहीं करता, गलत फहमी मत पाड़ो। तो देखो यार, इसका आंसर है ना बहुत ही सिंपल है, मैं हफ्ते में एक बार ब्लॉग डालता हूँ तो 20 के बाकी के 6 दिन सोता हूँ। ठीक है ठीक है, अब तो आप लोगों की गलत फहमी दूर हो गई ना, मिल गया जवाब। तो चलो यार, अब मम्मी ने मस्त लहसुन के परोठे बनाए हैं, तो चलो सड़ते हैं खाने। तो गाइस अभी मैं मस्त खाना वाना खा के आ गया हूँ। और हाँ, आज मैंने सोचा है कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ गेम खेलूंगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि बाकी के फैमिली ब्लॉगर्स अपनी फैमिली के साथ अच्छे अच्छे गेम खेलते हैं। तो चलो फैमिली मेंबर्स बताओ कि हम कौन सी गेम खेले। बढ़िया आइडिया है क्रिमिनल, चलो हम सब घर घर खेलते हैं। नहीं सासा यार, अभी तो सकुड़ी ट्यूशन में गई होगी, उसके बिना मजा नहीं आता। तो चलो पापा आप ही बता दो कुछ। ठीक से बेटा, तो हम सब छुपन छुपाई खेलते से। अरे चचा, उसमें मैं बोर हो जाऊंगा। रे ना छोटू, इसमें ट्विस्ट से जो भी पहले पकड़ा जाएगा उसे गोली मार दी जाएगी। अरे वाह, ये हुई ना बात, मैं अपनी शॉटगन निकालता हूँ, मजा आएगा। अरे नहीं हाँ, वो नहीं खेलना है, पता है ना पिछली बार क्या हुआ था, आपने मेरे सारों क्रिमिनल भाइयों को गोली मार दी थी। फिर फ्री फायर वर्ल्ड के डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था कि उनका इलाज नहीं हो पाएगा, इसलिए फिर कनाडा भेजा उनको इलाज करने के लिए। अरे यार, ये तो गलती से मैं ब्लॉग में बोल गया। पिगू ये वाली लाइन कट कर देना हाँ एडिटिंग में। ओए ठीक है साहब, कर दूंगा। ओए साला, मुझे टाइम पे पैसा तो देता नहीं है, मैं नहीं करूंगा ये वाला क्लिप एडिट। अरे बेटा, तूने सबसे पूछा कि हम क्या खेलेंगे, पर अपनी दादी से तो नहीं पूछा, ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो घर में सबसे बड़ी है ना, तो वही डिसीजन लेगी। अरे नहीं मम्मी यार, वो है ना ऊटपटांग गेम बताती है, इसलिए मैंने उनसे नहीं पूछा। रे नालायक, अपनी मम्मी की बात ना मानता से, तू पूछ रहा से कि घर के बाहर निकाल दूं तन्ने। हाँ ठीक है पापा, पूछता हूँ। तो मेरी प्रिय ग्रैनी, हम कौन सा गेम खेले बताइए। हम बिमल बिमल खेलते हैं, सब लोग बारी बारी जाएंगे दुकान पे और वहाँ से बिमल चोरी करके घर पे आएंगे और वो सारी बिमल मुझे दे देंगे, जो भी पकड़ा जाएगा वो आउट। देखा देखा, मैंने बताया था ना पहले ही कि ये ऐसी उटपटांग चोरी करने वाली गेम ही बोलेगी। हाँ सही कहा ग्रैनी, ये गेम हम खेलेंगे तो पुलिस हमें हवालात में डाल देंगी। और हाँ गाइस, क्या कर रहे हो यार, आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे? चलो यार जल्दी से लाइक सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो। और चलो सासा बताओ, अब हम कहाँ जाएंगे। क्रिमिनल एक काम करते हैं, आज हम दोनों बीच पे जाते हैं, घूमने मजा आएगा। ठीक है सासा। अरे अरे अरे, वो देखो सासा, सामने हिप्पू क्या कर रहा है, अपनी बाबू को सुप सुप के मिलने जा रहा है साला। बाबू मेरा बाबू, ये देखो आपका हिप्पू बाबू आ गया है। ओए मेरा बाबू आ गया। ओए सॉरी सॉरी, मेरा बाबू आ गया। बाबू तुम ये पिगू जैसे क्यों बोल रही हो, कहीं तुम पिगू तो नहीं हो मेरे बाबू के भेस में। सही है यार, हिप्पू के तो मजे है। अरे नहीं, इस रास्ते से नहीं जाना था। अरे ऊ रहा ससुरा, इतने दिनों के बाद आज आठ में आया है। गाइस ये है ना मेरे सब्सक्राइबर्स भाई लोग है, ये मुझसे मिलने आ रहे हैं। अरे अरे आज नहीं भाई, कल आना है, टाइम नहीं है मेरे पास। अरे नहीं क्रिमिनल, ये तेरे सब्सक्राइबर्स नहीं है, झूठ क्यों बोल रहा है, कौन है ये सब। अरे नहीं सासा, ये दोनों दुकान वाले हैं, मेरा उधार बढ़ गया है ना तो पैसे मांगने आ रहे हैं। अबे साले, अगर पैसा नहीं दे सकता तो उधार पे चीजें लेता ही क्यों है। सासा कर दीना छोटी बात, ग्रैनी मेरे से बिमल मंगवाती थी, उनका खाता है ये, दुकानदार डरते हैं ग्रैनी से, पैसा नहीं मांगते, इसलिए मेरे पीछे पड़े हैं। हां ये तो है, अगर ये ग्रैनी से पैसे मांगेंगे तो वो इन्हें बिमल थूक के भगा देंगी। हाँ सासा आप समझे ना आप बात। ये लो सासा, हम पहुंच गए 20 पे। वैसे आज इतने कम लोग क्यों दिख रहे हैं? अरे क्रिमिनल, क्योंकि दोपहर में ज्यादा लोग नहीं होते हमारे यहाँ। हाँ तो यही सही मौका है, सिनेमैटिक शॉट्स ले लेता हूँ। अबे आलोक, मैं कभी घर पे बात नहीं लेता, पर बीच में सन बात जरूर लेता हूँ। मुझे भी इधर खुले में गोला छोड़ने का मजा आता है, वो घर पे तो पकड़ा जाता हूँ। अच्छा तभी मैं सोचूं कि ये साला बीच पे इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है। हाँ बटे का घुंगरा खाया था वो।
अबे क्रिमिनल, ये क्या कर रहा है तू? साहब चुप रहो। गाइस आप लोग बोल रहे थे ना कि मैंने कितने दिनों से सिनेमैटिक शॉट्स नहीं लिए, तो देखो आज ले लिया मस्त 20 पे। अबे ये क्या किया तूने? दो लोगों को सुला दिया। अरे सासा मैंने कहा सुलाया, गाड़ी तो आप चला रहे हो। हे रेड क्रिमिनल व्लॉगर, बिग फैन। या थैंक यू, माय होल फैमिली वॉचेस योर व्लॉग, दे आर रियली अमेजिंग, यू आर डूइंग नाइस वर्क, अप्रिशिएट मैन। या थैंक यू। सो बाय द वे हाउ आर यू? या थैंक यू। हेलो भैया, गिव मी द आंसर। या थैंक यू। तो गाइस मुझे ना अभी इंग्लिश सब्सक्राइबर्स मिले थे, उनसे मिल के ना अच्छा लगा मुझे, मिल लिया करो मुझे। वैसे क्रिमिनल क्या बातें कर रहे थे तुम दोनों? सासा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही थी, पर सुन के अच्छा लगा। अबे तू भी कुछ बोल तो रहा था उन्हें, तुझे इंग्लिश आती है? हाँ सासा आती है ना। या थैंक यू, इतना आता है मेरे को, मेरे पापा ने सिखाया था। अरे देखा ना तूने, मेरी BMW ने हरा दिया तेरी मस्टैंग को। यहाँ क्या चल रहा है? अबे रिंगुल लोग क्या कर रहे हो? अरे हम ड्रैग रेस कर रहे थे, हरा दिया स्काइलर को मेरी BMW से। अबे वो तो स्काइलर नूब है, अगर मैं होता ना तो 10.5 बार हरा देता तुझे। ये नूबड़ा पक्का ड्रैग रेस करेगा इनके साथ, मेरा टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा मैं भाग जाता हूँ। अच्छा ये बात है, तो चल आजा, हम दोनों करते हैं। हाँ यार कर लेता, पर मेरी कार तो सासा लेके सड़े गए, वरना बताता तुझे। नूबड़े को पता चल गया कि वो हार जाएगा, इसलिए बहाने बनाने लगा। अबे तो सड़े काम कर, मुझे स्काइलर की मस्टांग दे ड्रैग रेस के लिए, फिर बताता हूँ तुझे। अरे मैं नहीं देगा इसको, मेरे को इस पे भरोसा नहीं है। अरे यार कुछ नहीं होगा, अबे तू बोलना कुछ इसको। अरे देना भाई, इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ ड्रैग रेस ही तो करनी है। अरे ठीक है, तू बोल रहा है इसलिए मैं दे रहा हूँ, वरना नहीं देता। हाँ ये हुई ना बात, चल क्रिमिनल आजा और अपनी हार देखने के लिए तैयार हो जा। हाँ वो तो देखते है कि कौन हारता है, तो चलो your mark, get set, go। हाँ, क्रिमिनल मेरी कार का पिकअप बहुत ही बढ़िया है। हाँ तो क्या हो गया, इस मस्टैंग का भी कुछ कम नहीं है? यारे पहुँच गया ना तेरे नजदीक। हाँ नजदीक पहुँच गया, पर मैं तुझे आगे नहीं होने दूंगा, मेरे से इले में पहुँच गया और हार गया तू। अबे ये ससुरा कहाँ रह गया? नुबड़े हार कर कार लेकर भागने वाले को रेड क्रिमिनल कहते है। अरे स्काइलर भैया, वो क्रिमिनल तो भाग गया तू मेरी कार लेके। नूबड़े तेरी वजह से मेरी कार चोरी हो गई, तूने बोला था इसलिए मैंने उसे दी। अरे पर हमको थोड़ी ना पता था कि वो कार लेकर भाग जाएगा। साले मेरे को कुछ नहीं पता, मुझे मेरी कार वापस चाहिए। अबे ना ही दूंगा, क्या कर लेगा तू साले? अबे काम करता हूँ, इस गैरेज पे कार बेच देता हूँ, मोटा पैसा मिल जाएगा। बोल भिड़ू क्या करने का है? सेठ अपने को ये कार बेचने का है, बताओ कितना दोगे? ठीक है इसका पेपर दे दो मेरे को सारा, मैं इसके 60 लाख दे देंगे आराम से। अरे पेपर तो इसके ना गुम हो गए है, एक काम करो ना 50 लाख दे दो सड़ेगा। ठीक है साहब, पर एक सेकंड, ये कार चोरी की तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, मेरी शक्ल देख के लगता है क्या मैं चोर हूँ? हाँ भिड़ू शक्ल से चोरी लगता है तू, इसलिए पूछा। अरे नहीं नहीं, मेरी ना थोड़ी शक्ल वैसी है, मैं चोर नहीं हूँ, बाकी आप मेरे पे भरोसा कर सकते हो। ठीक है भिड़ू, फिर 50 लाख में डील को डन करता है। तो गाइस फाइनली मैं स्काइलर की मस्टांग बेच के घर पे आ गया हूँ, और उसने ना पुलिस कंप्लेन कर दी है, तो अभी मुझे अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। मैं ओए चला जा भाई, अब कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमारा फालतू में ही रिटेंशन डाउन होता था, इसलिए हमने बंद कर दिया। अरे बाबू मोसाई, बोला तो सही के बंद कर दिया, फिर भी क्यों आ रहे हो? अरे तुम अभी तक देख रहे हो, इसका मतलब तुम मेरे रियल सब्सक्राइबर हो, ये लो सुम्मी। वो क्या है ना कि मैं सीन डालता था, पर 90% लोग देखते नहीं थे, इसलिए मुझे बंद करना पड़ा। और सड़ो अब खत्म हो गया, सड़े जाओ।